Okay, so hey guys, what's up everybody? This is RJ Fix and this is a comparison video of a local gorilla pod and a jobby gorilla pod. इनमें क्या ऐसा फर्क है, ये 6000 का क्यों है और ये 300 से 400 के बीच क्यों आ जाता है, इस बारे में बात करेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो ये 6000 का है और इसमें क्या कमी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके स्टिफनेस की। तो इसको अगर देखा जाए तो दिख रहा होगा मैं इसको कितनी आसानी से मूव कर रहा हूँ। ये बेसिकली फ़ोन के लिए है लेकिन इसमें दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया है, कैमरे का भी लगाने का, तो कैमरा इसमें नहीं लगता है। मैंने चेक किया, पहले मेरा यही प्लान था कि इसी से करने के लिए, ज़्यादा इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन दिखाता हूँ आगे। ये दिख रहा है कितना ये लूज़ है काफ़ी ज़्यादा, जो कि कैमरे का वेट नहीं संभाल पाता, प्रॉब्लम देता है थोड़ा। और ये थोड़ा स्टिफ है, दिख रहा होगा कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको घुमाने के लिए भी। उसके कंपैरिजन में ये है स्टिफ, तो ये जितना स्टिफनेस में। और ये नहीं, साइज की बात करें तो ये छोटा है थोड़ा, जो भी बड़ा है दिख रहा है साइज में। इनके टॉप की बात करें दोनों के, तो फिर ये इसका टॉप है जिसमें हमें मिलता है ये कॉइन स्क्रू, जो कि कॉइन से खुल जाता है, बड़ा मजा आता है खुलने में इसे। और इसे खोल के इसका जो यूनिवर्सल स्क्रू है उसमें हम लगा सकते हैं कैमरा, और ये है फोन माउंट फोन के लिए। इसमें इसमें भी स्लाइडिंग फीचर है, वो मुझे अच्छा लगा कि जैसे ट्राइपॉड में स्लाइडिंग का है कि हम लोग नॉर्मली कैमरे में ये लगा सकते हैं इतनी पार्ट और फिर बाद में स्लाइड कर सकते हैं, बार बार कुछ स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं होता, वरना स्क्रू बार बार खोलने बंद करने से उसका होल बड़ा हो सकता है, चांसेस है। तो ये अच्छा है, इसको हम इस तरह लगा सकते हैं, फिट हो गया, यहाँ से हम घुमा सकते हैं और इस तरह इससे कर सकते हैं ब्लॉग फोन से करना है तो। और कैमरे से भी किस कैम पाउडर वगैरह ही होंगे इसमें तो आएंगे, जो मतलब बाकी हैवी वेट्स वगैरह नहीं आएंगे। मेरा तो लाइट वेट DSLR होने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, इसका मतलब अगर DSLR है तो DSLR के लिए नेसेसरी है 3K, जॉबी का 3K मॉडल है ये। और बात करें और मॉडल्स की तो 5K आता है जॉबी का और 3K, लेकिन 3K ही प्रीफर करता हूँ मैं, क्योंकि लाइट वेट DSLR लगाने के बाद भी इसका वेट इतना हो जाता है कि ऐसे लेके घूमने में थोड़ी मेहनत लगती है हाथ की। अगर 5K ले लेते वही पर और इस छोटे से कैमरे के लिए, तो फिर लाइट वेट लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइट वेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाइट वेट होने के लिए भी उसका थोड़ा प्राइस बढ़ता है। और लेकिन किसी को अपने आर्म्स सेक्रीफाइस करने हैं तो मैं बोलूँगा कि वो 5K ले सकता है, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपका कैमरा है 700 ग्राम के आसपास, यानी 80D स्कैनन का 80D तक अगर आपके वेट कैटेगरी के अंदर के कैमराज हैं, तो फिर यही बेस्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं है, फालतू में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आता है कुछ 11-12,000 का होगा मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं यहाँ लिख दूंगा। और ये जो है ये 6,000 का, तो दिस इज़ द बेस्ट। बात करें इसके टॉप की, तो फिर ये आता है इसका टॉप, इसके भी स्लाइडिंग का है, यहाँ पे भी इसका होता है, वो इसकी तरह होता है पर स्लाइड करके डालने का। लेकिन उसमें खास बात यह है कि उसमें हमें हाइड्रोलिक वो मिलता है जिसमें बीच में एक बबल के थ्रू हमें दिख सकता है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, जो चीज़ हमारा कैमरा है वो बराबर परपेंडिकुलर सीधा है कि नहीं, थोड़ा टिल्ट होता है तो वो बबल साइड में जाता है, बीच में रहना चाहिए, तो फिर हमें दिखता है कि वो परपेंडिकुलर है। यस, एंड दिस इज़ अ बॉल हेड माउंट, तो इसमें बॉल हेड हमें मिलता है, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, ये बॉल के ऊपर पूरा घूमता है। तो मैं इसको ऐसे घुमा के पूरा सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें अपने कैमरे को घुमाना है तो मुझे इसके थ्रू घुमाना पड़ेगा, इस वाले बॉल के थ्रू, जिसमें कुछ ऑप्शन नहीं है खुद से करने का, लेकिन ये भी घुमा लेता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घुमा लेता है, मैं कैमरा माउंट करके दिखाऊंगा अभी। और ये वाला अगर है तो ये बॉल माउंट है, काफ़ी अच्छा है, मैं जिस तरफ इसको रखना चाहूँ रख के इधर से स्क्रूइंग कर सकता हूँ, दिस इज़ अ गुड थिंग टू होल्ड कैमरा। ठीक है, अब दोनों में माउंट करके दिखाते हैं कैमरा को। इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, ये जो हमें बताता है कि कैमरा परपेंडिकुलर है, यानी ये बबल है, ये बीच में है तो मतलब है परपेंडिकुलर, और ये नहीं संभाल पाएगा वेट, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। यहाँ हमें कुछ ऑप्शन भी नहीं मिलता है कि इसको स्क्रू कर सके, क्योंकि यहाँ पे ये फुल टाइट है ऊपर, और यहाँ नीचे वाले में कुछ हमें ऑप्शन नहीं है कि इसको टाइट किया जा सके। तो यही बोल रहा था मैं कि इसमें जैसे मैं ब्लॉक करता हूँ तो एक तो है गाइस। और अगर वही मैं बात करूँ जॉबी की, तो
guys, what's up everybody? This is our topic, so this is a sword. तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में स्टिफनेस है काफ़ी ज़्यादा। और ये है प्रॉपर ब्लॉगिंग के लिए आगे कैमरा है DSLR 2 मिररलेस कैमरा। इसके लिए भी यही है बेस्ट, क्योंकि वेट होता है कैमरे में यार, थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कैमरा इतना महंगा लिया तो। मैं एकदम नीचे पकड़ता हूँ तब भी एकदम स्टिफ है, इसे लगा के भी काफ़ी हैवी हो जाता है, और फालतू में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं चैनल में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।